हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो बड़े दिन हो गए, मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाया, तो आज वीडियो बनाते हैं। और आज कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, तो दो तीन चीज़ की आज बात करेंगे। पहले हम वक्त परमिट का क्या स्टेटस चल रहा है, जल्दी आ रहा है लेट आ रहा है उसकी बात करेंगे। फिर वीज़ा का क्या स्टेटस चल रहा है, जल्दी आ रहा है लेट आ रहा है उसकी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, जॉब्स की बात करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि मेरा थंबनेल देख के और आधा वीडियो देख के आपने मुझे इंस्टाग्राम पे और मेल पे मुझे मैसेज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना, और फिर जो भी आपका क्वायरी हो आप मुझे मेल या इंस्टाग्राम फेसबुक को मैसेज कर देना, बट पूरा वीडियो देखो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि आधा आधा लोग वीडियो देखते और फिर मैसेज करते, फिर बोलते कि रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है कि करंटली अभी फिलहाल इंडिया से, कतार से, कहीं से भी फिलहाल हमारे पास जॉब नहीं है, इसलिए आपको किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट होपफुली बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, तो हमारे पास बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आप सबको रिप्लाई आ रहा है। तो जितने भी लोग हैं बाहर से जो वेट कर रहे हैं जॉब्स का, तो थोड़ा वेट करें, बहुत ही जल्दी उनको मैसेज आएगा और मैं सबको रिप्लाई करूंगा और जॉब के बारे में बताऊंगा। तो आज का वीडियो दो तीन जैसे मैंने आपको बताया, तो पहले बात करते हैं वर्क परमिट का क्या स्टेटस चल रहा है। तो फिलहाल जितना भी वर्क परमिट है जागरेब में, उसमें वेटिंग लगा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जितने भी लोग हैं, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वाले हुए, होटल लाइन वाले हो गए, तो ये सब का वर्क परमिट लोग पहले दे रहे हैं। और डिलीवरी बॉय का लोग ने बोला कि वर्क परमिट सबसे लास्ट में देंगे। तो जिन लोग ने भी अप्लाई किया है मेरे थ्रू और किसी के भी थ्रू, थोड़ा पेशेंट रखे, ये महीना वेट कीजिए, ये महीना वेट करे। अगर ये महीना भी आपका वर्क परमिट ना आए, तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हो आपके एप्लीकेशन, या तो फिर आप और कहीं ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे मेरे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे थ्रू अप्लाई किया था। और जागरेब में थोड़ा प्रोसेस जैसे मैंने आपको पता स्लो चल रहा है, क्योंकि लोग पहला इंपॉर्टेंस होटल लाइन को दे रहे, कंस्ट्रक्शन को दे रहे, डिलीवरी वाले जितने भी वर्क परमिट्स लोग डिले दे रहे, धीरे धीरे वर्क परमिट्स दे रहे, एक साथ नहीं दे रहे, धीरे धीरे दे रहे। और हमने 6 महीने आज से पहले अप्लाई किया था, तब से ही धीरे धीरे वर्क परमिट्स आ रही है। अभी थोड़ी बची है, 10-15 बची है, तो फुली ये महीने में आएगी तो ठीक है, नहीं तो हम और कहीं ट्राई करेंगे। तो वर्क परमिट का स्टेटस ऐसा कि आपको पता है जागरेब मेन यहाँ का कैपिटल है, तो यहाँ पे बहुत वेटिंग होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क परमिट अप्लाई होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। और बाकी जब सीज़न स्टार्ट होता है तभी आपका स्प्लिट में, दुब्रोवनिक में, जितने भी कोस्ट साइड है वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई होता है, इसलिए आज का टाइम जाता है। बट अभी हमने थोड़ा ट्रायल किया था, तो हमने देखा कि अगर मैं वर्क परमिट कोई और जगह से अप्लाई करता हूँ तो वर्क परमिट फास्ट भी आता है। अभी हमारी लास्ट 8 से 9 वर्क परमिट थी, जो हमारी 30 या 35 डेज के अंदर हमारी वर्क परमिट आ गई। तो ऐसा भी है, तो हमें पता चला तो हमने वैसा किया है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम जो भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना वर्क परमिट फास्ट लाने को, उतना फास्ट आपको हम वर्क परमिट देंगे, उतना फास्ट ही वीज़ा आएगा। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हम लोग ट्राई करते रहते कहाँ अप्लाई कर सके, कहाँ कुछ कर सके। तो ये हम लोगों ने निकाला, तो इसमें हम लोग को 35 डेज के अंदर वर्क परमिट आया है। होपफुली और भी लोगों का अप्लाई किया, होपफुली और भी आएगा, और नए लोग का भी अप्लाई किया है, तो प्रोसेस में। पर आजकल जो भी प्रोसेस है आपको गाइस थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। 1-2 महीने में वर्क परमिट कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तुक्का होता है ये, ऐसा फिक्स नहीं होता आ भी जाए। तो ये हमने ट्राई किया था, आ गया होपफुली, पर ऐसा नहीं कि हमेशा है। तो जो भी है आपको पेशेंस रखना होगा, आप ऐसा मत बोलो मुझे कि अरे आपने वीडियो में मुझे बोला था कि 1 महीने में वर्क परमिट आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखो जो भी प्रोसेस है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, आजकल जो प्रोसेस है वर्क परमिट का 3 से 6 महीने का हो गया, और वीज़ा का भी 3 से 4 महीने का हो गया। मैं सीधा क्लियर बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलोगे अरे आपने वीडियो में ऐसा बोला था। और बहुत लोग ऐसा होते कि बहुत सारे मैसेज कर देते और बोलते कि कब आएगा जॉब, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रिप्लाई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी फिलहाल जॉब नहीं है। जैसे ही जॉब आएंगे आपको सबको रिप्लाई आएगा। अब बात करते हैं वर्क परमिट का हो गया, अब बात करते हैं हम वीज़ा की। वीज़ा का देखो कैसा है कि बहुत सारे लोग हैं उनका वीज़ा 25 से 30 दिन में भी आया है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका वीज़ा 90 डे को 80 डे के बीच भी है। तो इसका प्रोसेस आई थिंक अभी तक पता नहीं चला है, जब भी पता चलेगा कि फास्ट वीज़ा का प्रोसेस कैसा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यही है कि नॉर्मल चल रहा है अभी, किसी लोग का 30 दिन में आ रहा है, 40 दिन में, कुछ लोग का टाइम भी लग रहा है, दोनों चल रहा है। हमारे बहुत लोग हैं, कुछ उसमें से मतलब 100 में से समझो कि 20 लोग का 20 से 30 दिन में आ रहा है, बाकी सबका वही 90 से 100 दिन लग रहे। ये प्रोसेस है वर्क परमिट का, ये हो गया वीज़ा का प्रोसेस। अब बात करते हैं जॉब की। तो ये वीडियो उसके लिए है जो जागरेब में है, जो क्रोशिया में है, और जो डिलीवरी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया मैंने। तो बहुत टाइम से मुझे लोग बोलते थे कि अरे यहाँ पे जॉब है कि नहीं बताओ। तो बेसिकली शुरुआत में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था कि यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, बट अब मैंने कुछ लोग से बात किया तो उन्होंने मुझे पता कि उनके पास जॉब है, ठीक है, और ये फ्री जॉब है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और ये जॉब उनके लिए, लास्ट बार बता रही हूँ, जॉब उनके लिए जो जागरेब में है, क्रोएशिया में, उनके लिए ही ये जॉब है, इंडिया से कतार लोग के लिए जॉब नहीं है। तो जो यहाँ लोग हैं जिनको डिलीवरी बॉय का काम करना हो, तो आप मुझे अपना TRC का फ्रंट बैक
और आप करंटली क्या काम करते हो और क्यों छोड़ना चाहते हो, ये डिटेल आप मुझे मेल पे ड्रॉप कर देना, ठीक है? तो मैं आपको डिलीवरी बॉय का जो भी कंडीशन टर्म्स है वो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा जॉब है। अगर आपके पास खुद का गाड़ी हो, बाइक हो, खुद का घर हो, कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दे देंगे, आपका वर्क परमिट भी आपको बना के मिल जाएगा। बट हम एक महीना शुरुआत में आपको देखेंगे आप कैसा काम करते हो, क्योंकि मुझे पता अभी सीजन ख़त्म होने वाला है, तो फिर जितने भी कोस्ट साइड लोग हैं वो सब जॉब के लिए ट्राई करेंगे, मुझे पता है। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ 2-3 महीने के लिए आए, यहाँ पे आए, उनका वर्क परमिट फिर चले जाए, वैसे लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हार्डवर्क वाले बंदे चाहिए जो अच्छे से यहाँ पे काम करे, मेहनत करे, वही लोग हमें यहाँ पे चाहिए। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास डिलीवरी बॉय का जॉब है अभी फिलहाल, वो भी जिन लोग हैं क्रोशिया में उनके लिए लोग हैं, बाकी लोग के लिए नहीं है। तो ध्यान रखना, जो भी लोग हैं मुझे मेल करें अपनी TRC, ठीक है, रीज़न क्या है जॉब छोड़ने का और अभी करंटली क्या काम कर रही, ये चीज़ आप मुझे मेल करें, और फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा मेल पर बात करेंगे, सही लगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, और उसके बाद फिर आपको सीधा जाना है वहाँ पर, बात करना, आपको जॉब मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत वैसे भी लोग हैं जो समझो कि जॉब भी दे देंगे आपको, पर लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। अगर आपको वैसा भी चाहिए तो मैं आपको वैसे भी नंबर दे दूंगा, जो 500 से 600 यूरो लेते हैं आपसे, और आपको वर्क परमिट प्लस जॉब भी दे देते हैं, कमीशन बेस, ये सब जितना भी मैं आपको दोनों जॉब बता रही कमीशन बेस है, जिसमें आपको कंपनी को कुछ देना पड़ेगा और ऐसा रहता है। तो दोनों जॉब है, जिनको ऐसा है कि नहीं वो पैसा पे करके जाना चाहते मैं उनका भी नंबर दे दूंगा, जिनको फ्री में जाना उनका भी दे दूंगा। और ये लिमिटेड जॉब है, ऐसा नहीं कि 50-100 का वैकेंसी, 20 से 15 लोग का वैकेंसी है। अगर आप लेट मैसेज करोगे फिर मुझे बोलना मत कह रहे मैंने आपको बोला था आप हेल्प नहीं कर रहे हो। देखो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो बेस्ट हो आपको दे सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग समझो कि मैंने आज वीडियो बनाया 2 दिन के बाद सब फुल हो जाता तो नहीं भी हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पुराने वीडियो को मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपने इसमें बताया था कि आपके पास 50 वैकेंसी 100 वैकेंसी। देखो वो बात तब की है जब मैंने वीडियो बनाया था, आपको पता है कि यहाँ पे क्रोशिया में आजकल कितना शनिगन होने के बाद बहुत भीड़ हो गई यहाँ पे, तो सब लोग बैठे होते हैं, सबका PCs रेडी होता है, तो सब लोग अप्लाई कर देते हैं, इसलिए जॉब फुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और भी बहुत लोग हैं जो क्रोशिया में जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कभी कभी इंक्वायरी आती रहती है, कंस्ट्रक्शंस की आती रहती है, टाइल्स फिल्टर की आती रहती है, मिग टिक वर्गर, सबसे बड़ा वैकेंसी जो होता है यहाँ पे तो मिग और टिक वेल्डर का होता है, यहाँ पे बहुत लोकल लोग को चाहिए होते हैं। तो अगर आपके किसी को भी जॉब चेंज करना हो, अगर आपको मैकेनिक का एक्सपीरियंस हो, पिज्ज़ा बनाने आता हो, तो आप लोग हमें अपनी CV मेल कर दीजिए, ठीक है? अगर ये सिर्फ जागरेब के लिए, जितने भी लोग जागरेब हैं क्रोशिया में उनके लिए, तो आप लोग अपना CV हमें मेल कर दीजिए। अगर हमारे पास कभी भी कोई वैकेंसी आएगा तो हम आपको मेल पे रिप्लाई दे देंगे। ऐसा ज़रूर नहीं है कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूं, क्योंकि अभी मैंने जैसे ही पता अभी फिलहाल मेरे पास डिलीवरी बॉय के लिए, तो ऐसी कुछ ना कुछ छोटी छोटी क्वायरी आती रहती है जिसमें 2-4 लोग चाहिए, कभी 1 लोग चाहिए, अभी बीच में मैकेनिक चाहिए था, तो फिर मेरे को फेसबुक से मैंने बात किया, सब मिल गया, ऐसे ही चल रहा है। तो आप बस हमें मेल कर दीजिए, अगर हमारे पास कुछ जॉब होगा तो हम आपको मेल कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे, और फिर नंबर शेयर कर देंगे हम आपसे, और फिर हम आगे बात करेंगे। तो गाइस बस ये वीडियो के मैं बस यही बताना आपको चाह रहा था कि फिलहाल हमारे पास क्रोशिया में जॉब है, और जिन लोग क्रोशिया में रहे उनके लिए जॉब है, ये इंडिया, कतार, नेपाल वहाँ से अभी फिलहाल नहीं है। जल्दी 2-3 वीडियो के बाद आपको नया जॉब वाला वीडियो भी मिल जाएगा, उसका टेंशन मतलब बस अपना PCs बना के रेडी रखो, तो बहुत जल्दी मैं आपको मिलूंगा। तो चलिए, जिनके पास भी जिनको भी जॉब चेंज करना हो, जो भी हो, मैंने आपको प्रोसेस बताया, मैं नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ पे अपना TRC का फोटो और आप जॉब करंटली क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ना चाहते हो, ये बता देना, तो मैं आपको फिर मेरा आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा। फ्री है, अगर आपको पेड वाला चाहिए तो मैं पेड वाले का भी नंबर दे दूंगा, इसमें मेरा कुछ लेना देना किसी से नहीं रहेगा, जो भी आपको मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा अगर आपको पेड वाला भी जॉब करना हो, ठीक है? तो गाइस बस ये इन्फॉर्मेशन जितना हो सके उतना बेस्ट हम लोग ट्राई करते हैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना, और दुआ में याद रखना।